आ गए हैं सेवन सिस्टर की छठी सिस्टर के यहाँ त्रिपुरा में। जब त्रिपुरा के बारे में बात करो कि त्रिपुरा जाना है तो लोग कहते हैं त्रिपुरा क्यों जाना है ही क्या वहाँ पे, तो आप हमारे साथ रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि त्रिपुरा में क्या क्या है, आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या 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 खा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, सब हमारे आने वाले इस त्रिपुरा सीरीज में। हेलो पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है सबका अपने चैनल ट्रैवलर्स पर। और पिछले भाग में आपने देखा कि हम उनाकोटी देखने के बाद जम्पुई हिल्स के लिए निकल गए थे जो कि नॉर्थ त्रिपुरा की एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। तो चलिए इस व्लॉग में आपको लेकर चलते हैं हम जम्पुई हिल्स और दिखाते हैं आप एक बेहद ही खूबसूरत छोटा सा गाँव फुलदुनसई। सो फ्रेंड्स, अभी ना रोड का अपडेट ये है, हम सुबह धर्मनगर से उनाकोटी गए थे 208 हाईवे से होकर, एनएच से होकर, उनाकोटी से फिर हमने गूगल मैप जो रूट दिखा रहा था वो ना लेकर 208 से हम कुमारघाट आए हैं। कुमारघाट से फिर हमने NH8 ले लिया है जो कि सिलचर अगरतला हाईवे है, उस हाईवे से अब हम वापस जा रहे हैं ऊपर माछमारा की तरफ और वहां से फिर हम कंचनपुर की तरफ कट लेंगे, वो मैं आपको भी बता दूंगा। गूगल मैप जो रूट दिखाता है वो आप ना लें अगर आप उनाकोटी देखने के बाद जम्पुई हिल्स जाना चाहते हैं। ओके, पानी सागर से पहले कट आएगा पंचर तल पर, वहां से आप ये कंचनपुर वाली रोड लेंगे। अब ये जो बेल्ट है ना पूरी, ये ट्राइबल बेल्ट स्टार्ट हो गई है, अब हम जम्पुई हिल्स की तरफ जा रहे हैं और पूरा ट्राइबल एरिया है ये। रोड कंडीशन आप इस वीडियो के थ्रू देख पाएंगे, कट लेने के बाद से तो रोड बहुत अच्छा है, कंचनपुर तक सुना है ठीक ठाक रोड है, उसके बाद रोड थोड़ा नैरो हो जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी रोड ट्रिप और खासकर सेल्फ ड्राइव रोड ट्रिप में हेल्प करेगी। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको पता चले जम्पुई हिल्स आप कैसे पहुंच सकते हैं। NH8 छोड़ने के बाद यहाँ जाने का जो रास्ता है वो एक ही है, कोई और रूट नहीं है, बट बीच में बहुत सारे छोटे छोटे लोकल गांव की तरफ रूट निकलते हैं और गूगल पागल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है हमें, लेकिन हम सीधे जा रहे हैं कंचनपुर रोड। हाँ यही है, देखा जैसे कि अभी उधर गूगल बता रहा था इधर की तरफ चले जाओ। अब कंचनपुर से हम चढ़ेंगे जम्पुई हिल्स रेंज में और फिर वहां से जाएंगे उस जगह जहां हमें आज रात रुकना है सीधा, और वो जो दूर आपको कहीं पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, हम उन रेंजेस में अब कहीं जाएंगे। बट कंचनपुर के वहां से निकलने के बाद तो रोड और भी अच्छी हो गई है। NH8 से कंचनपुर तक का जो रोड था बहुत अच्छा बना हुआ था, बट नैरो रोड है। ओके, बट ये जो रोड आया है अभी कंचनपुर के बाद, इट्स 4-lane हाईवे, अच्छा खासा रोड बना हुआ है, रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है। अब कहां तक रहता है वो भगवान बताएंगे आगे चलकर हमारे को, काश ऐसा ही जम्पुई हिल्स तक मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएंगे, बट ऐसा है नहीं। मुझे पता है काफी कम टूरिस्ट इस एरिया में आते हैं, प्योर ट्राइबल बेल्ट है ये बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्टर्न त्रिपुरा है जिसका बॉर्डर मिजोरम से लगता है, और कल या आज शाम को या कल सुबह हम आपको मिजोरम के भी दर्शन कराएंगे, क्योंकि जो सबसे ऊंची पीक है त्रिपुरा की वो मिजोरम और त्रिपुरा के बिल्कुल बॉर्डर पर है। ये अब जो आप सामने देख रहे हैं ये जम्पुई हिल रेंज है जो मिजोरम और त्रिपुरा के साथ बॉर्डर बनाती है। सो फ्रेंड्स, अब रोड का अपडेट ना ये है, तेरा नाम बताना यार, उसका गांव का नाम क्या है? फुलदुनसई। अच्छा, फुलदुनसई जहाँ हम जा रहे हैं जम्पुई हिल्स में, जहाँ जाते हैं लोग, तो उस जगह से लगभग 32 किलोमीटर पहले तक रोड फाड़ था जो आपने देखा, लेकिन अब ये वो पोर्शन आ गया जो इसका पुराना रोड है, एंड ये रोड बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं था। अभी फिलहाल हम आ गए हैं वेंगम विलेज, वेंगमुन विलेज में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इस पूरे, जब आप डालेंगे ना जम्पुई हिल्स में तो एक छोटा बड़ा गांव नजर आएगा आपको।
तो वहां के बाद ना रोड अब नैरो है और बीच में गड्ढे हैं कहीं कहीं। फिलहाल ये जनवरी 2023 की अपडेट है। सुंदर है यार ये गांव, ये तो ये मॉरेल लॉन्ग जैसा लग रहा है। सुंदर फ्लावर्स लगा रखे हैं, कितने प्यारे कायदे के, कितने नीट से घर बना रखे हैं। प्यारा घर है ये, मिजोरम का तो नहीं है, त्रिपुरा में है, त्रिपुरा का लेकिन इफेक्ट मिजोरम है। प्यारा गांव है दोस्तों। ये जगह ना हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सुंदर है ये रोड। और जब से वो वेनमुन गांव निकला है ना, तब से तो वहां से लेकर और अभी तक इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट त्रिपुरा। मिजोरम के लोग ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर हमें, मतलब पता नहीं है अभी फिलहाल, हमें कोई अपडेट नहीं है इस चीज की कि वो मतलब लोग तो मिजो ही लग रहे हैं, है ना, वो त्रिपुरा के लोकल तो नहीं लग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है इस एरिया में मिजोरम के लोग ज्यादा हैं। अरे वो चर्च वगैरह भी तो था ना, क्रिश्चियन चर्च है और यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी काफी है, चर्च वर्च सब कुछ है। अच्छी खासी लंबी राइड रही दोस्तों, फुलदुंग से बहुत सुंदर राइड थी। राइट बहुत सुंदर थी वाकई में। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों एंड व्यूअर्स, हम आ गए हैं जोड़ाई टूरिस्ट लॉज। ये अभी फरवरी 2021 में ओपन हुआ है। त्रिपुरा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TTDC ने इसको ओपन करा है और इसकी लोकेशन फाड़ है। और ये है वो माउंटेन पीक जो त्रिपुरा की सबसे ऊंची पीक है, सामने आपको नजर आ रही होगी वो। वहाँ अभी गाड़ी लेकर हम चलेंगे। बच्चों का मैंने मार दिया बॉल। चलिए चलते हैं अंदर, मैं आपको जरा इसका टूर दे देता हूँ। और एज पर जो मैनेजर था उसके हिसाब से 31 तारीख को यहाँ लोग फ्लोर पे भी सो रहे थे, इतना रश था। और अभी हम इस पूरे लॉज में अकेले हैं। और अगर ऐसी आवाज रात को बाहर से आए तो रूम की, चलिए आपको रूम का दर्शन भी करा देते हैं। रूम बेसिक है, अभी मंगवाता हूँ बेडशीट उनसे। बेसिक सा रूम है, जो बात है वो पर्दे नहीं है रात के लिए। अब खिड़की बंद कर देंगे ना, हवा नहीं आएगी। तो रात को चेंज वेंज करने के लिए यहाँ पर एंड हियर इज अ वॉशरूम। बिग स्पेशियस रूम गाइस, एक्स्ट्रा मैट्रेस लेकर 10 लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हैं, सीरियसली। और ये नाच रहे हम, सुबह दिखेगा इस विंडो से सनराइज। शुक्र है कि हमारे विंडो से सनराइज होगा। सामने मेरे को उठ के छत पे नहीं जाना पड़ेगा, और मदर को अपनी जान खा के मेरे को जबरदस्ती लेके नहीं जाए। मैं अपने उठ के ऐसे देखूंगी और फिर सो जाऊंगी। दिस इज द व्यू फ्रॉम द रूफ ऑफ दिस टूरिस्ट लॉज, जोड़ाई टूरिस्ट लॉज। वो सामने मिजो हिल्स हैं जो फिलहाल फॉग में छुप। ये नीचे कॉफी सूख रहा है क्योंकि यहाँ कॉफी रबड़ बीटल नट खूब उगता है। लोकेशन फाड़ है गाइस, सीरियसली फाड़ है। मैं छत पर हूँ अभी जोड़ाई लॉज की, बहुत प्यारी जगह है ये। इधर ये है आपका त्रिपुरा, थोड़ी देर में इधर ही सनसेट होगा, सन अभी ऊपर है। सनसेट ऑब्वियसली वैसा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों जैसा कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि हेजी हो रहा है, बट आप गाँव देखो यार, ब्यूटीफुल विलेज। बंदे को भी ना बड़ी दिक्कत है, ये नहीं चैन से आके भी बैठ जाता, इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं। आप कह रहे हैं वो पीक देखने जाएंगे, वो जो पीक है ना ऊपर वहाँ, कि पहले वो देख के आते हैं चाय वाय फिर आके पियेंगे। ओह भगवान, ये उस पीक तक जाने का रास्ता है ये मदर गॉड जहाँ। अरे और पीक का नाम तो बड़ा ही टिपिकल सा है, अभी नीचे मेंशन कर देंगे। पता नहीं, चार बार मैंने पढ़ा था लेकिन तब भी मुझे बैंगी चाप। तुम रहने दो, अगर सामने से गाड़ी आ जाए कोई तो फिर साइड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे साइड भी कहाँ है, साइड भी नहीं है कहीं पर। दोस्तों पीक पर तो आ गए,
कुछ ऐसी सी जगह है, पार्किंग के लिए कोई खास जगह नहीं है। रोड बहुत नैरो था यहाँ तक आने का, मतलब वाकई में अगर दो गाड़ियाँ आ जाएँ तो आप आ नहीं सकते ना। और बस एक ऐसा टावर बना हुआ है जहाँ से जाके पता नहीं क्या ही होगा। आई एम 10,000% डिसअपॉइंटेड एट दिस प्लेस, आस्क मी व्हाई पीपल। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ त्रिपुरा, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है जगह ये, और मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ अभी। लुक एट दिस, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कोई व्यू नहीं है यहाँ से, नथिंग। आई एम सरप्राइज्ड। टीआर का सड़ा हुआ नाक मुँह आपको बता सकता है। हाउ डिड पीपल मैनेज टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग? वो शेडो पड़ रही है उधर, देखो इस रेंज की शेडो वहाँ पड़ रही है। कहाँ पर है हम? इस पीक का नाम है भेलियांग चिप। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ जम्पुई हिल्स एज वेल एज द एंटायर त्रिपुरा। बट उल्लू का रखा है यहाँ पर। व्हाई दिस इज लाइक दिस? बिकॉज एवरीवन कैन कम हियर। अरे एवरीवन कैन कम हियर, इट शुड बी मेंटेन्ड। नो नॉट मेंटेन, इतनी गंदी इतनी फिल्दी, नो पार्किंग प्लेसेस हियर। क्या अगर क्लियर होता, अभी तो हेजी सा है। हाँ, तो यहाँ से ये मिजो हिल्स का पूरा नजारा ना बहुत सुंदर लगता है। वो मिजोरम का कोई गांव है इधर। वी आर गोइंग बैक फ्रॉम हियर गाइस, इट्स डन। यहाँ कुछ नहीं है, आइए जस्ट फॉर नेम सेक। ये बहुत पुराना बना हुआ है टियर। अरे तो नया कब बनाओगे? चलो, यानी ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत पहले से फेमस है। एंड इन इन इसको थोड़ा सा ये पेड़ मुझे लगता है यहाँ से काटने चाहिए, तभी व्यू नजर आएगा। तो हम दो बावले निकल आए हैं रोड पर उस सेलिंग गांव में। फुट सेलिंग गांव हो में तो जरूर निकल आते। ये है फुलदुंग से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, नॉर्थ ईस्ट में आने के बाद से ना मेरे तो नामों की स्पेलिंग और उसके प्रोनंसिएशन भी बंटा जा रही थी। यहाँ आके तो और ही हो गई, क्योंकि तुम्हारे होंठ ना घूमते। तुम गांव की सारी तो शुरू से ही खराब था। जब से क्यों चीख रही हो? अच्छा, तुम्हारा तलफ्फुज़ तो शुरू से इतनी धीरे क्यों बोल रही हो? वैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारा तलफ्फुज़ शुरू से ही खराब था, जब से हम NHS में थे ना, तब से तुमसे ना उर्दू बोली जाती, ना हिंदी बोली जाती, ना अंग्रेजी बोली जाती, और यहाँ के नाम की प्रोनंसिएशन तो भूल ही जाओ। अब तुम मुझे ये बता दो कि क्या करना है, त्रिपुरा घूमना है या आइजवाल निकलना है? यहाँ से एक रास्ता आइजवाल भी जाता है, लेकिन हम आइजवाल नहीं जा रहे। क्या होता है आइजवाल? आइजवाल चाय मिल जाएगी क्या भैया? यहाँ पर चाय जरूरी है, लोकल शॉप है। अच्छा अंकल, मिजोरम कौन सा है? मिजोरम पे देखो इधर टाट किलर जाएगा तो मिजोरम पर सिक्योरिटी बॉर्डर आएगा। बॉर्डर है। अच्छा वहाँ बॉर्डर है? बॉर्डर है, वो पूरा ले लिखा है, सिक्योरिटी है। अच्छा वो परमिट बनाती है ना वो? नहीं, परमिट नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपके लिए? नहीं है, हमारे लिए होगा। ये होगा, अब लाइफ में कभी कुछ नहीं होगा। अब जैसे इंडिया के हुए हैं, यहाँ से आइजोल जाने का रास्ता अच्छा है? तू इधर मुगर के मामित जाएगा। मामित से? अच्छा मामित से जाएगा। हाँ मामित, ओके मामित, मैंने सुना। सनसेट देख लिया, मूनराइज ये हो रहा है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है? ये मूनराइज है, ये रहा मून 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 मून, ये रहा मून आपको दिख रहा है। नाउ वी विल गो डाउन, बिकॉज अब हो गया है मामला थोड़ा गंभीर, क्योंकि यहाँ हो गई अब ठंड। सनसेट होते एकदम ठंडक सी बढ़ गई है। नीचे चलते हैं यहाँ से, और बस अब थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फिर मैं ना लोकल अभी गांव घूमने निकलूंगा जब लाइट वाइट जल जाएगी ना। देखिए ये है गांव, बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत बढ़िया। एक व्यू पॉइंट सामने भी है। मैडम, शी वॉज लाइक क्रिसमस इज वेरी नाइस हियर।
अच्छा लग रहा है। हाँ, आफ्टर दैट सनसेट थोड़ी देर रेस्ट किया, चेंज कुछ भी नहीं किया है अभी, और हम आ गए हैं ये माय मोई रेस्टोरेंट में। हाँ, यहाँ पर हम खाएंगे थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा ज्यादा वेज मील है, चिकन मील है, पोर्क मील है, वेज नूडल्स हैं, एग नूडल्स, चाय, काफी कुछ है यहाँ पर। बट अभी हम आ रहा, क्योंकि हमने सुबह क्या खाया था, पराठा, सुबह उना कोटी में पराठा खाया था जो आपको दिखाया था, उसके बाद से अब सीधा खाना नसीब। एक अच्छी बात है हम दोनों में ना, खाने को लेके हम टेंशन नहीं लेते दोनों भाई, कभी खाने को मिल जाए ठीक है, पता है क्योंकि ट्रैवल में आपको खाने पीने का कोई टाइम नहीं। बस रास्ते में किसी ने गोंद के लड्डू खाए थे, संतरा खाया था, बाकी कुछ नहीं खाया किसी ने, उससे पेट हटता है नहीं, मन तो मैंने कर लिया, मैंने कहा पता नहीं थोड़ा। और हम इसलिए भी आ गए खाने क्योंकि हमारे जो जिस हम लॉज में रुके हैं ना, वो लॉज वाले जो भैया हैं, अंकल हैं, जो भी कह लो आपको, उन्होंने यहीं पे खाना ऑर्डर किया था हम लोग के लिए, तो हमने कहा हम वहीं पे जाके ही खा लेते ना, क्या रूम में ला के छीछा लेदर मचेगा, अब यहाँ सुकून से खाएंगे अच्छे से प्यारे से रेस्टोरेंट में। फुलदुंग से विलेज के अंदर एमजी होमस्टे के नीचे। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ना एक तो टूरिस्ट लॉज है ये वाला जुड़ाई जिसमें हम रुके हैं, इसके अलावा ना यहाँ पर एक एमजी होमस्टे और है, गूगल मैप पे आपको नजर आ जाएगा एमजी होमस्टे, तो आप अपने रूम वहाँ भी बुक कर सकते हैं। व्हाट यू गॉट? राइस, दिस सब्जी आलू की, जो कि बहुत टेस्टी है, पता नहीं क्यों इसका फ्लेवर मुझे भी इतना रिजेंबल कर रहा है ना, मेरी दादी बनाती थी ऐसी सब्जी, वैसा लग रहा है। दाल है, पम्पकिन, जिंजर, पपाया, ओके, एवरीथिंग, एंड चिल्ली। हाँ, चिल्ली इज द फेवरेट। रॉ कटन, ओके, and coffee is also coffee, yes. Somebody is heavy, all about heavy, not only orange cultivation, it was mentioned na ki orange and apricot, earlier it was famous. While we are coming to road, no, if you come to road, okay, left side, right side, all oranges, okay, like flowers, it is blooming, okay, like flowers, okay, this season means winter season, okay. But now all are dried and replaced with betel nut. Betel nut. Oh. And we found betel nut covered everywhere. Entire root is covered with the betel nut now. We have not seen any single orange tree. And he was saying that orange trees must be here. Their demand is from earlier. Okay. Both of these is recent. Recent one. निसंतुष्ट डिनर के बाद और लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम आ गए हैं वापस अपने होटल रूम में। अब हम सुबह निकलेंगे 6 बजे, डंबूर लेक होते हुए जाएंगे, वहां पे क्या देखते हैं, एक आधा पॉइंट है वो देखते हुए जाएंगे या नहीं, और सीधा कल हमारे लॉन्ग जर्नी होने वाली है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।